यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए थी आपने, ये जो मशीन चलाने कहाँ से सीखा था आपने? ये तो हम कहा सीखने पड़ती है, सीखने पड़ती है। कितने दिन में सीखे थे आप? ये 6-7 में सीखे थे। 6-7 महीने में सीखे थे? कितना टाइम लग जाता है? 2 महीने देते ही नहीं हो तो 2 महीने आपका काम कैसे चलता है? इसमें तेल तुल तो डलता होगा, तो आपका कैसे होगा काम जब पैसे नहीं मिलते? अच्छा खाता चलता है आपका। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। अभी मैं मौजूद हूं हरियाणा के एक गांव में जिसका नाम है दतलाना, और जब हम यहां से जा रहे थे तो मैंने देखा धान की जो कटाई वो शुरू हो चुकी है, और हरियाणा में किसान तो एक आंदोलन चल ही रहा है जो अभी आपने देखा होगा, जो आड़ती हटा दी गई है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे कटाई शुरू हो गई है। जी हरियाणा में बहुत जल्दी खेती, सबसे पहले खेती मैं कहूँ तो यहाँ हरियाणा में हो जाती है, और कटाई भी सबसे पहले देखो आप यहाँ हो रही है। और यहाँ पर जो कंपैन के मालिक हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या कुछ यहाँ पर 1 किले के कितने पैसे होते हैं। तो राम राम जी। तो सर ये कंपैन आपका ही है, तो कितने पैसे लेते हो आप? नहीं नहीं फ्री तो कुछ नहीं होता, 15 आपका खेत की कटाई हो रही है ना? ये तो कह रहे फ्री में काट रहे हैं। अच्छा मतलब 1500 के करीब रेट रहेगा, 1500 रुपए के, तो मतलब आप बाद में भी ले लेते हो पैसे, कोई वो नहीं है, मतलब गांव के ही हो आप। देखिए हरियाणा में एक जो अच्छी चीज होती है कि यहाँ पर जैसे और जगह जाओगे तो वहाँ पर पहले पैसे फिर उसके बाद काम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 महीने बाद भी ये चक्कर तो नहीं काटते, बाद में आप चक्कर पैसा दे दो जी, फर्स्ट में धमका देंगे, पंचायत करेंगे, बाकी 2 महीने तो देते ही नहीं, 2 महीने देते ही नहीं हो तो 2 महीने आपका काम कैसे चलता है? इसमें तेल तुल तो डलता होगा, तो आपका कैसे होगा काम जब पैसे नहीं मिलते? खाते कर रखे पड़ते हैं। अच्छा खाता चलता है आपका? ये अपना तो ये कंपैन आपका ही है, तो 1 मिनट हमारे साथ चलो, आप कंपैन दिखाओ। मैं भी जो यहाँ मालिक सर, आपका नाम तो बताओ। राम कुमार जी, अब आपका कंपाइन एक बार दिखा दिए कैसे मतलब ये पूरा काम होता है। तो मैं अभी राम कुमार जी के साथ हूँ जो कंपाइन के मालिक हैं, ये दिखाएंगे कि कंपाइन कैसे पूरा चलता है, और अभी मैं रोक के भी दिखाऊंगा जो इसका पूरा वर्क है वो कैसे होता है। देखिए ये कंपाइन आ रही है मेरे पीछे, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं कंपैन के ऊपर भी जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा वर्क कैसे होता है। देखिए आ रहा है, मैं कंपैन के ऊपर जा रहा हूँ, दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा काम होता है। देखिए मैं अब कंपैन के ऊपर जो आ चुका हूँ और ऊपर से पूरा सीन दिखाऊंगा। तो सर कितने देर में आप 1 किला काट देते हो कंपैन से? 15-20 मिनट, 15-20 मिनट लगता है 1 किला काटने में। जो ये कितने नीचे से काटती है? ये जितने मर्जी नीचे काट लो, तो आप तो काफी ऊपर से काट रहे हो। नहीं ऊपर तो ये नीचे नहीं जाएंगे, तो इसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए थी आपने, ये जो मशीन चलाने कहाँ से सीखा था आपने? ये तो हम कहा सीखने पड़ती है, सीखने पड़ती है। कितने दिन में सीखे थे आप? ये 6-7 में सीखे थे। 6-7 महीने में सीखे थे? कितना टाइम लग जाता है? टाइम तो लगता ही है ना, कटाई सारा देखना पड़ता ना, बैक साइड देखना पड़ता भी क्या होगा क्या नहीं, चलाने में कोई। ये कंपाइन की कीमत कितनी होती है बता सकते हो आप? कीमत इसकी है कम से कम 21 लाख की। 21 लाख रुपए? तो आप ये चलाते हो, ये कंपाइन आपकी है? नहीं मेरी नहीं, मेरे मालिक बहुत है, राम कुमार जी। तो चलिए चला के दिखाइए कैसे पूरा ये कटता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे कंपाइन से पूरी कटाई होती है।
तो दोस्तों देखा अभी अपने जो कंबाइन के ऊपर था, तो इस प्रकार से पूरी ये जो धान की कटाई हो रही है, एक किले को काटने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम जो ड्राइवर द्वारा लगता है। और बहुत अच्छा लगा जो गांव में आके एक जो यादें हैं ताज़ा हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो ये पक्षी भी दिख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी घूम रहे हैं, तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना। और अगर आप भी गांव से हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद।